थैंक यू विकास। वुडलैंडर्स बाय थॉमस हार्डी। वुडलैंडर्स लैंडर्स यह एटीन एटी सेवन बाई थॉमस हार्डी इज अ नावल ऑफ थ्री वॉल्यूम्स बहुत मोटी उपन्यास है द नावल कंटेन्स फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर पेजेस और उसका इतना का हम लोग को आंसर लिखना है तीन चार पाँच पेन में पेजेस वुडलैंडर सॉरी वुड लैंड मीन्स क्या माने का होता है एन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज एक जगह जहाँ पर जहाँ एकदम तो पेड़ बहुत बड़ा बहुत पेड़ हो बहुत सारा पेड़ उसको तो तो वुडलैंड कहते हैं ठीक है और वुडलैंडर्स आर पीपल हु लिव इन दिस एरिया और वुडलैंडर्स कौन है जो इसी एरिया में उसका इर्द गिर्द वो रहते हैं चारों बगल पेड़ है नेचुरल सेटिंग है द नावल इज अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस कॉल लिटल इंटॉक जगह का नाम है ग्रेस इज द मेन फीमेल कैरेक्टर इन द नावल येरोइन कौन है ग्रेस है हर फादर इज रिच उसके पिता बहुत अमीर हैं गिव्स द हाई एजुकेशन एंड वॉन्ट दैट शी शुड मैरी अ मैन ऑफ स्टेटस और पिता का जैसा अरमान होता है कि पढ़ी लिखी बेटी है पैसा वाले हैं तो उसके उसी हिसाब से उसको हस्बैंड मिले ठीक है न पेट टू में आवा थैंक यू विकास ग्रेस लव्ज द मैन नेम्ड गाइल्स विंटरबॉर्न देखिए उसके अलावा जो उसको लव करती है वह है गाइल्ज हु इज पुअर लेकिन ये क्या है बेचारा गरीब है गरीब है गाइस हैज अट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर लेकिन गरीब तो है लेकिन उसका चरित्र बहुत मजबूत है बहुत अच्छा चरित्र का है ये ग्रेसिस फादर वॉन्ट दैट हिज डॉटर शुड मैरी अ डॉक्टर हुज नेम इज देखिए फिर पायस ये डॉक्टर का उसके पिता चाहते हैं इस अमीर डॉक्टर से वो शादी करे ठीक है द डॉक्टर इज अ रूटलेस मैन और ये वुड लैंडर नहीं है बाहरी कोई है अजनबी है कोई घर खानदान कोई अच्छा नहीं है ही He uses हेल्पलेस women फॉर sex. देख कहते हैं बदमाश और जो औरत लाचार रहती है उससे साथ ये सेक्स करता है बदमाश ये डॉक्टर है द फादर इज अन अवेयर ऑफ दिस फैक्ट लेकिन पिता को इसे मालूम नहीं है और सोचता अमीर आदमी है डॉक्टर है तो पढ़ा लिखा अच्छा होगा ही फोर्सेज इज डॉटर टू मैरिज द डॉक्टर तो उसको प्रेशराइज करके अपनी बेटी को इससे शादी करा देते हैं ठीक आफ्टर आफ्टर मैरिज द वाइफ ग्रेस नोटिस दैट यर हजबैंड इज हैंग एन इलिसिट रिलेशन विथ अ वूमेन नेम्ड स्यूक डेमसोन तो शादी के बाद क्या देखती है ग्रेस कि उसके हस्बैंड कोई औरत के साथ जिसका नाम है ये स्यूक उससे वो अवैध संबंध करते रहता है तो हस्बैंड डॉक्टर मेक्स एन एक्स्यूज और डॉक्टर क्या करता है बहाना बना देता है पलटू बेटा और फिर स्थिर में हमारे डॉक्टर क्या बनाना बना बनाता है स्यूक डेमिसोन हैज़ अ मोलर प्रॉब्लम कहता है ये जो है ना पेशेंट है उसको मोलर होता है ना चौवा में उसको दर्द होता है हम तो वो डेंटिस्ट है दांत का डॉक्टर है तो उसका इलाज करते हैं बहाना बनाता है ठीक है ग्रेस सीज अनदर वुमेन विथ हुम हर is इज हैविंग एन अफेयर फिर दूसरा औरत के साथ वो देखती है उसके साथ बाइक देखती है उसके साथ भी एक वबाई संबंध कर रहा है इसलिए उसको चांस एक, एक में धोखा हुआ दूसरा में भी कर रहा है द सेकेंड वुमेन इज अ रिच विडो नेम्ड चार माउंड और दूसरी औरत जो है अमीर विधवा है और क्या कहते हैं उसके साथ उसके हस्बैंड खराब रिलेशन सेक्स का रिलेशन कर रहे हैं ग्रेस इंफॉर्म्स अर फादर अबाउट द मिस डीड्स ऑफर हस्बैंड तो ग्रेस जो है अपने पापा को कहते पापा देखें नहीं ये हाल है उसका एकदम लोगों के साथ खराब संबंध है मेरे हस्बैंड का द फादर वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ उसके पापा पक्का पता लगाना चाहते हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द फादर फाइंड द इज आर ट्रू पिता जब छानबीन करते रहे तो सच्चे ही सब गड़बड़ आदमी उसका दमाज है ग्रेस इज फादर स्ट्राइक्स से सन लॉ और जो ससुर जो है अपने दमाद को मारता है थप्पड़ देता होगा कैसे समझे इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी यही स्टोरी का क्लाइमैक्स है क्लाइमैक्स के ऊपर चरम सीमा यहाँ पर अब तब क्या होता है द सन इन लॉ उसका जो दमाद वो भी बदला लेता है क्या कहता है आई मैरिड योर मनी नॉट योर डॉटर कहता है हम तुम्हारे पैसा से शादी किए तुम्हारी बेटी से नहीं ये भी गुस्सा में सच्ची बात उगल देता है अब देखिए पेज फोर अब पेज फोर में हम आ गए डॉक्टर डॉक्टर भाग जाता है ग्रेस जो गोस टू अर लवर गाइज अब देखिए पुराना लवर जो ईमानदार है गरीब है उसके पास ग्रेस चली जाती है इट इज़ अ कोल्ड विंटर नाइट रात अंधेरी है बर्फ़ वहाँ पर बिलायत में तो बहुत बर्फ वर्फ गिरता है द कॉटेज इज स्मॉल और कुटिया छोटी कुटिया है ग्रेस अलाउज़ नहीं नहीं गाइल्स ही है हीरो जो है ईमानदार जो लवर है गाइल्स अलाउज ग्रेस टू तो स्लीप इनसाइड द कॉटेज और गाइल्स क्या करता है वो अपने बिलावेट को कुटिया के अंदर सुलाता है गाइल्स स्लीप्स आउटसाइड द कॉटेज अपने वो कुटिया के बाहर सोता है काहे ही डज दिस टू अवॉइड सेक्स कहता है हम लोग साथ सोएंगे तो सेक्स हो सकता है इसलिए सेक्स नहीं हो इस डर से वो बाहर ठंडे में सो जाता है और अपनी बिलाविट को कुटिया में सो लाता है ही फॉलोज द क्रिश्चियन रिलीजन एंड द बाइबल और बाइबल में क्या लिखा है यू शैड नॉट कवर्ड डिज़ायर योर नेबर्स वाइफ कहता है दूसरी की पत्नी के साथ आपको संबंध नहीं करना कवर्ड डिज़ायर समझ गए इसीलिए वो कुटिया के बाहर सोता है ग्रेस कैच स्कूल सॉरी गाइल्स जो है जो लड़का लवर जो है लड़का है बाहर जो सोया है उसको ठंडा लग जाता है फॉल्सिल बीमार पड़ जाता है और मर भी जाता है बेचारा डायवोर्स पिटिशन कैनॉट हेल्प ग्रेस बिकॉज ग्रेस जो है जो पापी हस्बैंड के से डाइवोर्स लेना चाहती है लेकिन वो सफल नहीं होती क्योंकि देर इज नो सफिशेंट एविडेंस फॉर डाइवोर्स डिवोर्स के लिए पर्याप्त प्रूफ नहीं कोई देखेगा तब ना कौन देख समझे ना तो उसको डिवोर्स नहीं मिलता है ग्रेस रिमेन्स द वाइफ ऑफ द डिबाउच्ड हस्बैंड और वो जो पथ भ्रष्ट पति है डॉक्टर जो है उसी के साथ उसको जीना पड़ता है दिस इज द सैड एंड ऑफ द स्टोरी ये कहानी की दुखद अंत है अब पेज हवाई में मारे हैं दुखद अंत तो ये हो जाता है अब देखिए थॉमस हार्डी हैड अ लॉन्ग लाइफ ऑफ एटी एट ईयर्स थॉमस हार्डी एटी एट साल उसका अठारह सौ चालीस से लेकर उन्नीस सौ अट्ठाईस में तो घटाइएगा तो हो जाएगा एटी एट ईयर्स ही वॉज अ पोएट नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर तीन पोइट भी था नॉवलिस और शॉर्ट स्टोरी हिज फेमस नॉवल्स द रिटर्न ऑफ द नेटिव द मेयर ऑफ ब्रिज टेस्ट ऑफ द डबिल्स एंड जूथ द ट्रम्पेट मेजर इज इज ओनली हिस्टोरिकल लॉवल तो कभी कभी ये वर्क्स जो है शुरू में देते हैं हम अंत में दे दिए अपना अलग अलग स्टाइल आपको लिखने का अलग अलग स्टाइल, स्टाइल है अभी अपना स्टाइल बनाइए ठीक है अब टू कंक्लूड हार्डी सॉ द विक्टोरियन एज एंड ऑल्सो द मॉडर्न एज हार्डी विक्टोरियन एज भी देखा मॉडर्न एज भी गंभीर था बहुत दिन जी आई इन इज नावल वी सी द ब्लेंडिंग ऑफ द विक्टोरियन एंड द मॉडर्न तो क्या देखते हैं उसके उपन्यास में विक्टोरियन का क्वालिटी है मॉडर्न भी है वुडलैंडर्स डज नॉट हैव मतलब लास्ट पेज में हम आ गए डज नॉट हैव दैप्पी एंडिंग ऑफ अ विक्टोरियन नॉवल लाइक साइलिस मार्नर बाई जॉर्ज गेट तो विक्टोरियन नॉवल में हैप्पी एंडिंग प्राय होता है जैसे साइलिस मार्नर इन वुडलैंडर्स वी गेट द रियलिटी ऑफ लाइफ जॉय मेंगल विद सौर इस उपन्यास में हम लोग जो वास्तविकता है वो देखते हैं सुख है जॉय है और उसमें दर्द भी है दैट्स ऑल थैंक यू और यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ये सब कीजिए और मेन पॉइंट है ना खेतन टीबी पेशेंट को कुछ मदद कीजिए इस पदर पर एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स सिक्स फोर दैट्स ऑल थैंक यू